नमस्कार जी। नमस्कार पत्रकार। आप गांव गांव जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कितना प्रेम स्नेह लगाव मिल रहा है लोगों से? प्रेम स्नेह बहुत ज्यादा मिल रहा है साहब। बहुत ही ध्यान से लोग सुनते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ तो मेरी प्रार्थना पे गौर करते हैं, मेरे साथ चलते हैं, लोगों से मिलवाते हैं और फिर हम बैठ के अपने गांव की समस्याओं की या जो अब तक का रहा है लोगों का अनुभव उस पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। आप बिल्कुल ग्रामीण स्तर से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हो, क्या समस्याएं क्या देखते हो आप इस इलाके में? समस्याएं सब अनेकों समस्याएं हैं, जबकि पूरे देश में ये कहा जाता है कि नंबर वन हरियाणा। अगर कोई आदमी यहाँ आकर देखे तब उसे पता लगेगा कि ये नंबर वन है या नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं जो सैकड़ों, समझ लो जब से पॉलिटिकल लोग ये करते आए हैं तब से वो कुछ सुधरी हैं, लेकिन बहुत सी आज भी यूं की यूं है, जबकि साधारण है, कोई बड़ी नहीं है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है प्रदेश का, क्योंकि दिल्ली के नजदीक रहा है, पुराना प्रदेश है, पंजाब ज्वाइंट था तब भी और उसके हरियाणा तब भी, उसके बावजूद भी बहुत से हमारे प्रदेश के जो बड़े बड़े राजनेता जो बने मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा विकास का काम करवाया, लेकिन कुछ समय से बिल्कुल मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है इस क्षेत्र को। इसमें बिजली की अगर देखेंगे आप तो खंभे टेढ़े हो रहे हैं, तारे लटक रही हैं, कोई गौर नहीं है। बच्चों की अगर शिक्षा की बात करेंगे तो स्कूल कॉलेज सब चीज बनी हुई, लेकिन उनको जाने के साधन ही नहीं है, संभालने वाले नहीं है। अगर हॉस्पिटल सरकार ने बना रखे हैं तो उनमें महिला डॉक्टर नहीं है, और अगर पानी की सबसे किसान की और सबसे जो मेन है वो सारा का सारा जो क्षेत्र है वो खेती बाड़ी पे आधारित है, तो पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है सर। उसका प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ हुआ, जब भी किसान को जरूरत होती है उसको मिलता ही नहीं, एक सप्ताह के लिए आता है और वो भी प्रॉपर सही ढंग से मिलता नहीं है लोगों को जो उसका होना चाहिए। खाड़े नाली है, कहीं कच्चा है, जहाँ जरूरत होनी चाहिए पक्के की मान नहीं है, इस तरह की अनेक तरह की समस्याएं हैं। डाणियों की सबसे बड़ी समस्या है, लोग अपने गांव से डाणियों में जाके बस के कि भी खेती बाड़ी करे ताकि फसल का नुकसान ना हो, डांगर उसमें ना जाए, तो गांव से डाणियों में बस गए तो डाणियों में बिजली की सुविधा नहीं, पीने के पानी की सुविधा नहीं, पीने के पानी के लिए उन्हें टैंकर मंगवाना पड़ता है, जबकि हरियाणा तो सबसे नजदीक है। और इन सब चीजों में छोटी छोटी समस्या इतनी है जिसका कोई जिक्र करे उतना ही कम है। बच्चे अगर डाणी से स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने जाएं तो उन्हें दो दो तीन तीन किलोमीटर तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, बहुत ज्यादा सड़क पे आएंगे, सड़क पे आने के बाद उन्हें पढ़ाई स्कूल कॉलेज से ज्यादा तो इंतजार करना पड़ता है कि कब कोई साधन आए और हम अपने घर अपने गांव जाएं। गांव आ गए तो गांव से डाणी की समस्या। अब एक किसान खून पैसे नहीं, कमाई से अपने परिवार अपने बच्चों का लालन पालन करता है, लेकिन अगर उसे निजी साधन लेना पड़ा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अपने बच्ची को, एक बेटी को छोड़ के आए, बेटे का अलग टाइम है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हजारों बसों का हरियाणा सरकार के पास बेड़ा है लेकिन वो मिसमैनेजमेंट है या क्या है ये तो अधिकारी या मंत्री महोदय ही जान सकते, लेकिन हम लोग इस बात से बहुत ज्यादा, हमारे बच्चे परेशान हैं। इन सब मुद्दों के साथ ही रूबरू होने का मौका मिल रहा है और भी ऐसी चीजें हम धीरे धीरे गांव में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये मुख्य मुद्दे हैं। आप लगातार सामाजिक कार्य, चाहे किसी प्रकार के जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहते हो, तो अब कैसे मन में आया कि भाई मुझे राजनीतिक पारी है वो शुरू करनी चाहिए? लोगों ने आके बातचीत की या खुद ही मन में आया कैसे? नहीं, राजनीति तो मेरा कोई वो इरादा नहीं था। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो साथियों के कारण मैं दो बार छात्र संघ अध्यक्ष रहा, बहुत स्नेह मिला, तब से लेके आज तक वो साथी संपर्क में रहते हैं। अच्छा। लेकिन निजी कारणों से मैं अपने परिवार की, अपनी खुद की और चीजों के अंदर मेरे प्राथमिकताओं में लगा रहा, लेकिन साथ साथ गांव से, पुराने साथियों से जुड़ा रहा, गांव जाता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ। अगर कोई आदमी कहे कि आज हमारे देश ने बहुत ज्यादा तरक्की कर दी, हमारे प्रदेश ने, तो आके वो हमारे गाँव में देखे तो उसे पता लगेगा कि आज भी कितने जरूरतें मुंह बाएं खड़ी हैं। आदमी के पास अगर कोई फर्श बना लिया तो छत नहीं है, और छत बना ली तो दीवारों पे प्लास्टर कराने के उसके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर राजनेता आए या ब्यूरोक्रेट्स आए जिनके जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री जी ने या मंत्रियों ने या राज्य सरकार ने लगा दी, तो वो कभी गांव में कभी आए नहीं, गांव में आके वो देखे, जनता दरबार नाम की कोई चीज लगाए, कभी रात दिन कभी अफसर आए, हमें नहीं लगता कि कभी कोई अधिकारी गांव में कभी आया। तो हमारी ये प्रार्थना है कि कम से कम
आए, देखें, समझें। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रख के गांव के मेरे सभी ने कहा, बड़ों ने, कि यार ये सब बातें तो ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करें। तो मैंने कहा चलो मिलके करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं पंचायत के, तो एक आपके आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये तो फिर वही सब चीजें हो जाएगा, गुटबाजी होगी, आपन तो भाईचारे और प्यार प्रेम के लिए हैं। उनका कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपको पंचायत के इस चुनाव में नहीं उलझाएंगे, ये कोशिश रहेगी कि हमन मिलके एक ही उम्मीदवार रहेगा और हम सब इस अभियान में साथ रहेंगे। अच्छा। तो ये अभियान मेरा नहीं है, हमारे पूरे ग्रामीण जो हमारा क्षेत्र है उन सब का है जी। आप अगर देखेंगे तो हर गांव के आठ गांव के सब हमारे साथ हैं, सब ने मिलके तय किया कि नहीं इसको एक मकसद बनाना है, इसकी एक शुरुआत करनी है। तो उसी का ही एक ये परिणाम है कि हम सब साथ हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस जिला परिषद सदस्य के माध्यम से हमारी आवाज हम हिसार शहर के अंदर बैठे हुए अधिकारियों से राजनीतिक लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे गांव में आओ, देखो और इन छोटी छोटी समस्या का हमारा निपटारा करवाओ। चलो, बहुत सकारात्मक सोच के साथ आपने अपने विचार रखे। क्या अपने वार्ड के लोगों को स्पेशल आप बातचीत करना चाहोगे, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? मैं तो वार्ड के, तो देखिए मैं मुझसे बहुत ज्यादा, सभी लोग इतने अच्छे खुददार किस्म के हैं, आत्म सम्मान से जिंदगी जीते हैं, सभी लोग अपने दम पे हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, बुजुर्ग भी हमारे आज तक सारी चीजों, कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े फौज में अधिकारी हैं, सिविल सर्विसेज के अंदर हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यापार कर रहे हैं आज हमारे क्षेत्र के, कमी नहीं है। और वो सब हमारे जितने भी कोई आदमी चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी के अंदर हैं, नेवी के अंदर हैं, चाहे वो उद्योगपति है, हमारे गांव में वापस आके अपने गांव अपनी कर्मसतली में वो दान पुण्य भी करते हैं और मदद भी करते हैं। उनको बस मेरी, मैं तो इस माध्यम से सिर्फ ये कहूंगा कि एक तो समय आने पर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे क्षेत्र को संभालो और मदद करो, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार पैसा देगी, साधन देगी, लेकिन हमें बनाए रखने के लिए खुद भी प्रयास करेंगे और कुछ उद्योगपति और कुछ दानवीरों से भी हम मदद लेंगे, ये प्रयास हम करते रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी हमारा क्षेत्र कुछ भी नहीं चाहता, इनकी कोई डिमांड नहीं है, बस ये चाहते हैं कि कोई आदमी जिसको हम चुन के भेजते हैं वो कभी पलट के ही नहीं आता है। तो सब एक ही प्रार्थना है कि कभी आप चुनाव के बाद दुख सुख में शामिल होना जरूर आना, इसके अलावा कुछ उम्मीद ही नहीं करते। इतना कमाल का एरिया, इतना सुंदर है, इतने बढ़िया लोग हैं जी हमारे, तो यही है कि दुख सुख में शामिल रहेंगे, इन छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उसमें हर संभव प्रयास करेंगे, किसी अधिकारी किसी राजनेता के पास जाके हाथ जोड़ेंगे, जो और हो सकता है बार बार प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं, प्रार्थना करने से आएंगे और हमारा मांगने का है तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो वो करते रहेंगे ताकि हमारे गांव की, हमारे एरिया की उस समस्याओं का समाधान हो उसके, और हमारे गांव के बच्चे आराम तरीके से पढ़ाई करें। जिन महिलाओं को कोई रात को दिन रात कोई समस्या आ जाए तो महिला डॉक्टर आए, इस तरह की छोटी छोटी एक प्रयास करेंगे साहब। भाई आशीष गुदारा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हम जो पंचायती चुनाव है उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है, जो भी उम्मीदवार है, हम लगातार मिलेंगे और उनके विचार क्या है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अब फैसला आप जनता को करना है, इस एरिया के लोगों को करना है कि कौन आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन आपकी जो समस्याएं हैं उनको उठा सकता है। तो और किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ या किसी मुद्दे के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।